बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो है वो आजकल जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि 75 का नोट जो है वो बंद होने के दाने पर है, और आप 75 का नोट जो है वो किसी के पास भी लेकर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी और करेंसी का नोट आप लेकर आ गए हैं, तो उसका ऐसे मुंह बन जाता है। जबकि ऐसी कोई भी खबरें जो चल रही हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं और बेबुनियाद हैं, इनका कोई भी सर पैर नहीं है। 75 के नोट के हवाले से स्टेट बैंक ने जो है वो बयान जो जारी किए हैं 2023 के 75 RS 75 बैंक नोट इज़ स्टिल फुल्ली लीगल, स्टेट बैंक ने ये कहा है। स्टेट बैंक ने इसके अलावा इस खबर के अंदर ये कहा है कि ये बिल्कुल दूसरे करेंसी नोट की तरह जो है वो बिल्कुल इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे नोट जो है ना वो 75 के काफ़ी तादाद में बना दिए थे, लेकिन अब इसके जो न्यू जो सीरियल नंबर है यानी नए नोट जो अभी हम फ़िलहाल नहीं बनाएंगे। लेकिन ये है कि ये 75 का नोट जो है अगर कोई भी शॉप वाला या कोई भी आप बैंक के अंदर या किसी भी बंदे को जो आप 75 का नोट देते हैं कोई ख़रीदारी करने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो अगर वो कोई भी प्रॉब्लम करता है तो उन्होंने हेल्पलाइन भी दी है कि आप इस पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। और ये अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, 75 का नोट आप धड़ल्ले से इस्तेमाल करें और इसको बिल्कुल आप जो है वो 75 के नोट को ख़ुद भी लें, क्योंकि ये हमारे मुल्क की ज़ाहिर करेंसी है। और जब करेंसी बनाने वालों ने ये बात कही है कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये ऑफ हो गया है या इसकी हमने कोई मियाद दी है, इन्होंने बिल्कुल ये अपने इस बयान के अंदर ये कहा है कि द SBP इशूज़ ऑल करेंसी नोट्स अंडर सेक्शन 25 ऑफ इट्स एक्ट, द RS 75 बैंक नोट हैज़ नो एक्सपायरेशन डेट एंड कैन बी यूज्ड इन ऑल ट्रांजेक्शंस। यानी कि इसकी कोई भी जो है वो इख्तिताम की अभी कोई तारीख नहीं दी गई, और इसके अलावा ये कहा गया है कि आप इसको तमाम ट्रांजैक्शंस के लिए, तमाम मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसी कोई भी बेबुनियाद जो हैं वो अफवाहों पर गौर ना करें, ये हमारे प्यारे मुल्क की करेंसी है और इसको इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज़ है, और इससे कराहत करना जो है वो बिल्कुल भी बेमैनी है, जबकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है।